राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्या अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? बिहार में आचार संहिता लागू है और इस बीच अपराधी दस्तक देते हैं दिन के उजाले में। रात के अंधेरे की तो बात छोड़ दीजिए, दिन के उजाले में चार की संख्या में अपराधी बाइक सवार पहुंचते हैं शास्त्री नगर के विजय ज्वेलरी शॉप में और लूट करने की मंशा से पहुंचते हैं। चारों अपराधी अंदर घुसते हैं, दुकानदार को किसी तरह भनक लग जाती है, रिवॉल्वर उसके कमर में दिखती है तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शोर मचाने के दरमियान ही अपराधी खुद को सेफ समझने के लिए वहां से फरार हो जाते हैं। अगर बात की जाए पुलिसिया तंत्र की तो 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और लूट जैसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पुलिस ने बचा लिया। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दिन के उजाले में क्या पुलिस का मनोबल अपराधियों के सामने खत्म हो गई है? क्या अपराधी का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जो लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए दिन के उजाले में पहुंच जाते हैं? राजधानी पटना का सबसे पौश इलाका माना जाता है शास्त्री नगर और सबसे पौश इलाके में 2 बजे दोपहर में अपराधी पहुंचते हैं और लूट जैसी घटना को अंजाम देने की मंशा रखते हैं। अचानक दुकानदार हल्ला करने लगते हैं, स्थानीय लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, लोगों की भीड़ जुट जाती है, किसी तरह अपराधी खुद को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। हालांकि अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आचार संहिता एक ओर लागू है और दूसरी ओर अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम देने के लिए पहुंच जाते हैं। रात के अंधेरे की तो दूर की बात, दिन के उजाले में अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय लोग की चीख पुकार के कारण अपराधी हवाई फायरिंग करके भी वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे, अपराधियों को धर दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आज दिनांक 20 मार्च 2024 अपराह्न 3 बजे शास्त्री नगर थाना अंतर्गत विजय ज्वेलर्स दुकान शिवपुरी के पास अपराध कर्मियों के द्वारा हवाई फायरिंग की घटना की गई है, जिसमें किसी की जान माल की संपत्ति एवं संपत्ति की कोई नुकसान नहीं हुई है। घटना के संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।